हम देखेंगे हेवी वाटर के बारे में, ठीक है, जिसको भारी जल बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, D2O। तो जैसे हम पढ़े थे कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जैसे जो प्रोटियम होता है, ठीक है, वो उसका ऑक्साइड क्या कहलाता है, H2O, और ड्यूटेरियम में क्या कहलाता है, D2O। तो यही D2O को ही क्या बोला जाता है, हेवी वाटर, भारी जल हिंदी में। इसको किसने खोजा था या सबसे पहले किसने पता लगाया था, तो इसको यूरे करके एक साइंटिस्ट है, ठीक है, यूरे करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लगभग 1932 में ये बताया कि अगर कोई पानी है, पानी के लगभग 6,000 भाग में से कोई एक भाग किसका होता है, हेवी वाटर, मतलब कितना कम मात्रा में पाया जाता है। अगर नॉर्मल वाटर 6,000 पाया जा रहा है, तो उसमें से एक भाग क्या होगा, भारी जल का, ठीक है। तो वो मतलब यूरे करके साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि जो नॉर्मल वाटर होता है उनमें कुछ मात्रा में भारी जल भी पाया जाता है। अगर इसको हम देखा जाए तो लगभग 6,000 भागों में एक भाग किसका होता है, भारी जल का। तो भारी जल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O। अब ये बनाया कैसे जाता है, इसका मेथड देखेंगे, भारी जल को बनाया कैसे जाता है, तो इसके लिए मेथड देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रभाजी आसवन, क्या बोलेंगे, प्रभाजी आसवन। क्या होता है आसवन, मतलब क्या समझते हो, डिस्टिलेशन मतलब क्या समझते हो, तो फ्रैक्शनल मतलब इसको प्रभाजी बोलते हैं, प्रभाजी मतलब जो अलग अलग भागों में डिवाइड रहता है, ठीक है, अलग अलग भागों में डिवाइड रहता है। तो ये बनाया कैसे जाता है, जैसे एक हम लोग ट्यूब लेंगे, ये अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड रहेगा इस तरह से, मतलब अलग अलग भाग का अलग अलग टेम्परेचर रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्योर वाटर रहता है, मतलब जो नॉर्मल वाटर रहता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अभी हम जो हेवी वाटर पढ़ रहे हैं, हेवी वाटर का होता है 101.48, यही समथिंग होता है, लगभग इतने ही होता है। तो देखो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है कि नहीं। तो जब इसमें हम लोग दोनों चीज डाल दिए, इसमें H2O भी है और D2O भी है, अब इसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो दोनों का बॉइलिंग पर मतलब बॉइलिंग मतलब उबलने लगेगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर आएगा, तो ये H2O क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। अब बॉयल होगा, ठीक है, बॉयल होकर क्या हो गया, अलग हो गया, अलग हुआ कि नहीं, क्योंकि ये ही बस उबल रहा है H2O, ये तो नहीं उबल रहा है, क्योंकि इसके लिए इतना टेम्परेचर होगा तब ये उबलेगा, ये बॉयल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अलग हो गया, और ये 101 टेम्परेचर पे ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो हमको अलग से मिल जाती नहीं, D2O मिला कि नहीं। हाँ, तो ऐसे इस तरह से अलग करके नॉर्मल वाटर से हेवी वाटर बाहर निकाला जाता है। समझ गए ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे करते हैं, हेवी नॉर्मल वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H2O होता है वो क्या हो जाता है, उसका डिस्टिलेशन हो जाता है, वो अलग हो जाता है, और बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है, D2O, हेवी वाटर। तो ये इसका मेथड है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हेवी वाटर कैसे सेपरेट किया जाता है या बनाया जाता है। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत सारे मेथड दिए हैं बुक में, लेकिन सबको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो भारी जल का कहाँ यूज किया जाता है, पर्यावरण के दर्शन में कहाँ यूज किया जाता है, हाँ कहाँ यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़े हो कि नहीं, हाँ
न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, अलग अलग भाग रहता है, उसमें एक मॉडरेटर या जिसको हिंदी में मंडक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंडक, ठीक है, मंडक में न्यूट्रॉन भरा रहता है, क्या भरा रहता है, न्यूट्रॉन। इन न्यूट्रॉन की गति को स्लो करने के लिए यूज किया जाता है मंडक की तरह, मंडक मतलब जो गति को क्या करे, काम कर दे। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर बम बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें जनरली किसका रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉन का, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की गति को हमको स्लो करना है, तो क्या मिलाया जाता है, H2O हेवी वाटर। तो याद रखना ये इसका बहुत ज्यादा मेन काम है, इसलिए कॉम्पिटिशन एग्जाम से भी पूछता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किस पदार्थ का या किस रासायनिक कंपाउंड का उपयोग किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, H2O, ठीक है, भारी जल का। इसके अलावा इसका ट्रेसर टेक्निक में भी यूज किया जाता है एग्रीकल्चर वगैरह सब में। तो ये था हेवी वाटर, इसमें बहुत सारी चीज जानने की आवश्यकता नहीं है तुमको, उसका फॉर्मूला पता क्या, वो बनाया कैसे जाता है और उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो सबसे ज्यादा इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में ही मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। अब इसके बाद अगला देखेंगे, हाइड्रोजन से बनने वाला कंपाउंड H2O2 क्या होता है, क्या नाम है इसका बताओ, ये अभी कर रहे थे प्रैक्टिकल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। पेरोक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परोक्साइड बॉन्ड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोजन परोक्साइड। तो हाइड्रोजन परोक्साइड को सबसे पहले सीएल थेनार्ड करके एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन परोक्साइड का फॉर्मेशन किया था या बनाया था 1818 में। 1818 में सीएल थेनार्ड करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन परोक्साइड के बारे में बताया था। तो ये हाइड्रोजन परोक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन परोक्साइड मुख्य रूप से रेन वाटर, ठीक है, बरसात के पानी या वर्षा जल में और वायुमंडल में पाया जाता है, हमारे वायुमंडल में, ठीक है। तो ये जनरली रेन वाटर एंड हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये जनरली ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, ब्लू कलर का, और थोड़े से पानी की तुलना में थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, ठीक है, ये क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है और जल की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होता है या गाढ़ा बोल सकते हो, ठीक है, इसका गलत थिकनेस वाला, वाटर की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा थिकनेस या गाढ़ा सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन परोक्साइड में जैसे पानी में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसमें भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो कई बार पूछता है कि हाइड्रोजन परोक्साइड में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है कि नहीं, तो इसमें भी क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद अब हाइड्रोजन परोक्साइड की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, तो हाइड्रोजन परोक्साइड क्या होता है, जनरली जैसे हम पानी को टच करते हैं तो हमें किसी तरह का कुछ नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन परोक्साइड अगर शरीर के संपर्क में आता है, ठीक है, स्किन के संपर्क में आता है, तो थोड़ा सा जलन होगा और थोड़े से फफोले हो जाते हैं, ठीक है, जैसे डायरेक्ट बॉडी के संपर्क में आएगा तो ये फफोले उत्पन्न करता है, कौन, हाइड्रोजन परोक्साइड, क्योंकि
ये वाटर की तुलना में थोड़ा क्या होता है, कंसंट्रेट, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसकी कुछ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये किस किस तरह का रासायनिक अभिक्रियाएं करती है। तो पहला देखते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्लीचिंग हिंदी में ही ब्लीचिंग ही बोलते हैं। तो ब्लीचिंग सुने हो कि नहीं? क्या होता है? हाँ, क्या होता है ब्लीचिंग? लड़की लोग तो सुनी छोगे, क्या होता है ब्लीचिंग? ब्लीचिंग सुने हो कि ब्लीचिंग जैसे जाते हो क्या ब्यूटी पार्लर वगैरह में, ब्लीचिंग ब्लीचिंग कराना है, सुने ही हो गए, कराए भले नहीं हो गए लेकिन सुने हो कि नहीं, ब्लीचिंग कराना है ये तो भले पर बिलासपुर शहर सर में जाओगे तो लिखा ही रहता है यहाँ ब्लीचिंग का इतना इतना। तो देखना चेहरे सर में ब्लीचिंग कराते हैं, कपड़े का भी ब्लीचिंग कराते हैं। तो ब्लीचिंग क्या होता है, स्पेशली अगर जैसे हमारे चेहरे में कहीं पे दाग धब्बा है या कुछ चीज जम गया है, ठीक है, तो ब्लीचिंग क्या करता है, जो दाग धब्बा रहता है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है, तो चेहरा फिर पूरा क्लियर साफ हो जाता है। तो इसीलिए स्किन क्या हो जाता है, ब्लीचिंग करके जो निकले रहेगा, या देखना आजकल ऐसे मेकअप करते हैं कि जो काले रंग हो एकदम गोरे चमकने लगते हैं, वो सब किसका काम रहता है, ब्लीचिंग का, मेकअप का। तो ब्लीचिंग मतलब क्या करता है, जो जैसे इसको देखा जाए तो स्पेशली हम तो देखते हैं जैसे H2O2 भी ब्लीचिंग का काम करता है। सबसे पहले H2O2 क्या करता है, टूटता है H2O+ ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन जो बाहर रिलीज हुआ है ये क्या करता है, जो कलर रहता है उसको क्या कर देता है, कलरलेस। ब्लीचिंग का काम ऐसे रहता है। ये तो हम लोग H2O2 का ब्लीचिंग काम देख रहे हैं। इसके अलावा जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन गैस, वो बहुत अच्छा ब्लीचिंग का काम करता है। कौन? क्लोरीन, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोरीन का यूज किया जाता है ब्लीचिंग करने में। तो जैसे देखो एक कलर को कलरलेस कर देता है। जैसे मान लिया जाए हम एग्जाम्पल के रूप में देखे किसी के चेहरे का ही ब्लीचिंग हो रहा है, ठीक, किसी के चेहरे का ही ब्लीचिंग हो रहा है। तो मान लो यहाँ कुछ दाग धब्बा या कुछ भी है जैसे जमा हुआ है, तो जैसे ये हुआ ऑक्सीजन आया, अब जहां जहां कलर है उसको कलरलेस कर रहा है। मतलब कलरलेस मतलब ये कलर तुमको दिखेगा ही नहीं चेहरा में, वो दिखेगा नहीं, कलरलेस मतलब उसको रंगहीन कर दिया। कलर था तो दिख रहा था तुमको, लेकिन कलरलेस क्या मतलब उसको एकदम पूरा साफ किया, कलर उसका दिख ही नहीं रहा है। जैसे ये कलर लगा हुआ है इसको कलरलेस मतलब क्या किया, हटा रहा है, अब देखो पूरा साफ हो गया। तो इसी ऐसी किया जाता है ब्लीचिंग कपड़े में। ये मान लो कपड़े में कहीं पे दाग लग गया है, मतलब वो कलर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े में दाग लग गया है, ठीक है, तो तुमको दिख रहा है। तो जब ब्लीचिंग किया जाएगा तो सेम यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ऑक्सीजन करेगा इसको कलरलेस बना दे। तो अब क्या हो गया, साफ हो गया, फिर तुमको पूरा वो चमकता हुआ पूरा साफ दिखेगा। तो वैसे चेहरे कपड़े तो ऐसे होता है ब्लीचिंग, ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग जो हम लोग जो देखते हैं जो यूज होता है ब्लीचिंग को, तो इसी तरह से किया जाता है। उसमें जो केमिकल मिलाया जाता है उसमें ऑक्सीजन गैस या क्लोरीन गैस रिलीज होता है, और वो हमारे चेहरे में जहाँ जहाँ भी जो भी दाग धब्बा या जहाँ भी निशान पड़ गया है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, मतलब उसका कलर को पूरी तरह हटा देता है, उसको कलरलेस कर देता है। तो चेहरा एक तरह पूरा क्या दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें भी ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी पाया जाता है, किसमें, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला देखेंगे जर्मिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। जर्मिसाइड प्रॉपर्टी ठीक है, जर्मिसाइड प्रॉपर्टी मतलब इसका यूज कहाँ किया जाता है, कान नाक गला सबको साफ करने में यूज किया जाता है, ठीक है, कान नाक गला सबको साफ करने में इसका यूज किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को मारने में। जर्मिसाइड मतलब बैक्टीरिया रोधी,
जो बैक्टीरिया जीवाणु को ये सबको मारने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड को बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह में भी इसको छिड़का जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ जो भी बैक्टीरिया है वो क्या हो जाए, मर जाए। और कान नाक गला को भी साफ करने में यूज किया जाता है, जैसे तुम देखे होगे कई लोग जैसे कान साफ कराते हैं, तो देखे होगे जैसे शहरों में जाओगे या ट्रेन वगैरह जाओगे तो कई लोग घूमते रहते हैं, डब्बा पकड़ के कान साफ कराना है कि नहीं, कान साफ कराना है कि नहीं पूछते रहते हैं, देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो? तो बिलासपुर जाओगे तो कभी भी वहां जाना, क्या बोलते हैं, नेहरू चौक के आगे, नेहरू चौक के आगे देखना, वो वहाँ जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहाँ एनी टाइम घूमते रहते हैं उन लोग, पूछते रहेंगे कान साफ कराओ कान साफ कराओ कर। तो उन लोग इसी को पकड़े रहते हैं, H2O2 को, उसको कान में डालेंगे ना तो तेरे तुम्हारे कान के अंदर जितने भी गंदगी रहेगी सब उसके साथ बाहर आ जाते हैं और पूरा साफ हो जाएगा। हाइड्रोजन परोक्साइड को क्या कहते हैं, डालते हैं, तो वो इसी को यूज करते हैं। तो इसका यूज इसलिए कान को साफ करने, नाक साफ करने के लिए, गला साफ करने के, जैसे गला में इसको गरारा करते हैं, ठीक है, जैसे हम नमक के पानी के साथ करते हैं वैसे हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन परोक्साइड को गरारे के रूप में यूज किया जाता है, गरारे के रूप में यूज करते हैं, तो गला जैसे जाम रहता है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है जैसे गले में, कई बार खराश होता है कि नहीं, या कई बार आवाज बैठ जाता है, कुछ भी होता है, तो अगर किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ भी है तो क्या हो जाता है, वो साफ हो जाता है, जो भी रहेगा वो हाइड्रोजन परोक्साइड उसको क्या करता है, क्लियर कर देता है। तो इसका इसीलिए इसका स्पेशली यूज इन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता है, चाहे कान साफ करने के लिए, गला साफ करने के लिए, या फिर नाक साफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी है, किसी को ऐसे प्रॉब्लम है तो बताना, साफ करेंगे, इसे कान में डाल के देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइड्रोजन परोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मेन इसका स्ट्रक्चर है, जहाँ में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परोक्साइड का स्ट्रक्चर बनाइए। तो अभी हम लोग देखें कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो जो हाइड्रोजन परॉक्साइड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन बुक स्ट्रक्चर मतलब एक खुले बुक की तरह इसकी संरचना होती है, ठीक है, खुले बुक की तरह संरचना होती है, मतलब जैसे ये खुला बुक है तो इसकी संरचना ऐसे होती है, ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना होती है, मतलब ये इस तरह से रहेगा, दोनों ऑक्सीजन ऐसे रहेंगे और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। मतलब देखो ये बुक है, इसको देखो पहले, ये बुक है, यहाँ एक ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन, तो दोनों ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, अब एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन किधर होगा, इधर, समझे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर, खुले बुक की तरह संरचना पाया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो ये है इसका संरचना, इसको अगर किताब की तरह बनाए तो ऐसे रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन प्लेनर और नॉन लीनियर इनकी संरचना। नॉन प्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन में नहीं होता, ठीक है, एक ही प्लेन में नहीं होता, जैसे इसको देखेंगे तो सभी के सभी एक ही प्लेन में नहीं है, ये दोनों एक प्लेन में है तो ये अलग प्लेन में है और ये अलग प्लेन में है। प्लेनर मतलब क्या होता है, जो एक ही सारे चिपका रहे है, ठीक है, जैसे बुक को तुम खोलोगे तो ऐसे, अगर इसको सीधा सीधा ऐसे रखोगे तो ये दोनों तो इसमें आ गए, लेकिन ये दोनों नहीं आया है, ऊपर उठा हुआ है, मतलब एक ही प्लेन में नहीं है, तो इसलिए H2O2 का स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, नॉन प्लेनर
और नॉन लीनियर, नॉन लीनियर मतलब एक ही रेखा में नहीं है, देखो ये दोनों एक ही रेखा में, अगर दोनों हाइड्रोजन भी इधर इधर रहते तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर, हिंदी में क्या रेखीय, अरेखीय होता है। तो देखो ये इधर आ गया अलग रेखा में, ये अलग रेखा में, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर, ठीक है। और पहले भी बताया कि ये OH OH के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन सा बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और एक चीज लिख सकते हो कि इसमें इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसकी लंबाई होती है 1.47 एंगस्ट्रॉम और इसका होता है 0.95 एंगस्ट्रॉम। तो इसको याद रख सकते हो, कंपटीशन एग्जाम से पूछता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में दोनों ऑक्सीजन के बीच में की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 1.47, ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कितनी होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम। ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना। तो इसमें याद रखने वाली कौन सी चीज है, ये एक तरह का ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर होगा और नॉन लीनियर होगा, और जिसमें दोनों ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ की तुलना में क्या होती है, ज्यादा। ये क्या है, ज्यादा, और ये क्या है, कम, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना। अब एप्लीकेशन देखते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो अभी मैं बताया कि इसका यूज जर्मिसाइड की तरह किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए, कान नाक गला ये सभी को साफ करने में यूज किया जाता है, बताया, ठीक है। पहला तो जर्मिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, दूसरा क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कलर को उभारने के लिए, ठीक है, जैसे कहीं पे पेंट लगा है या कहीं पे कलर है, जहां हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर तुम डाल दोगे उसके ऊपर से, उसका कलर जैसे बहुत दिन से दब गया है, मटमैला है, जैसे कलर नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड डालोगे तो उसका कलर पहले जैसा आ जाएगा, उभरने लगेगा उसका कलर, ठीक है। इसलिए देखना, बहुत बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग रहता है या पोस्टर बड़ा बड़ा लगाते हैं, तो उसको जब वॉश करते हैं या फिर से मॉडिफाई करते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं, तो फिर उसका कलर उभरने लगता है, ठीक है, उभर जाएगा, वो क्या होगा, दिखने लगेगा क्लियरली। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, कलर को, पेंट वगैरह कलर को उभारने में किया जाता है, पेंट कलर वगैरह। ठीक है, उसके अलावा इसका एंटीबैक्टीरियल की तरह यूज किया जाता है, जर्मिसाइड एंटीबैक्टीरियल की तरह, और कहाँ यूज किया जाता है बोला मैं, ब्लीचिंग की तरह, ब्लीचिंग करने में यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग काम करने के लिए यूज किया जाता है। रॉकेट पढ़ते हो फिजिक्स में, तो इसका रॉकेट फ्यूल, रॉकेट ईंधन की तरह भी यूज किया जाता है, रॉकेट में ईंधन की तरह भी यूज किया जाता है, रॉकेट फ्यूल के रूप में। ये सभी इसके क्या है, एप्लीकेशन है हाइड्रोजन परऑक्साइड के। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जनरली एक क्या होता है, एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, एक एंटीबैक्टीरियल क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जो कि पानी से थोड़ा क्या होता है, गाढ़ा रहता है, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, और इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल वाटर की तरह नहीं रहता। नॉर्मल वाटर का संरचना क्या होता है, क्या बनता है, नॉर्मल वाटर का संरचना क्या होता है, H2O का क्या रहता है, V-shape रहता है, लेकिन H2O का क्या होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर, ठीक है, खुले बुक की तरह संरचना पाया जाता है। चलो इतना ही देखते हैं।